दोस्तों सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी, सर्दियों में नॉन वेज का एक अलग ही मजा रहता है। दोस्तों आज मैं आपको नॉन वेज का मजा वेज में खिलाने लेके आया हूँ डे होटल पे, जो कि 1968 से है। और दोस्तों यहाँ पे इनकी नॉन वेज डिश तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसके साथ ही स्टार्ट करा है वेज तवा कीमा कलेजी, जो कि ज़बरदस्त तरीके से बनाई जाती है। बहुत सारे इसमें राजस्थानी मसाले डाल के बनाई जाती है। और आखिरी में दोस्तों घी का तड़का जब लगता है ना दोस्तों, उसकी खुशबू दूर तक जाती है। फटाफट बनवाते अपनी रेसिपी, ट्राई करके बताते कैसा लग रहा है स्वाद। वेज सोया कीमा कलेजी, दावे से बोलता हूँ ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। भाई साहब क्या लग रही है यार, और बनने के बाद भाई साहब आइए ना, मुंह में पानी आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए मजेदार ब्लॉग में। दोस्तों मैं आया हूँ देव होटल पे, और दोस्तों मैं यहाँ पे ट्राई करने आया हूँ राजस्थानी वेज कीमा कलेजी, जो कि एकदम जबरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है हमारे जयपुर में। तो ट्राई करते हैं और चलते हैं भैया से बनवाते हैं और ट्राई करके बताते हैं कैसा लग रहा है स्वाद। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं भैया से। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया। और क्या खिला रहे हो आप? आज अपन मना रहे वेज तवा कीमा कलेजी। वेज तवा कीमा कलेजी है। हाँ। तो भैया स्टार्ट करें फिर। हाँ, कैसे अभी सबसे पहले अपन डालेंगे इसमें ऑयल। ऑयल है डेढ़ लीटर की, कम डेढ़ लीटर ऑयल लेंगे। तो भैया कितना टाइम हो गया अपनी यहाँ को? भैया मेरे को तो यहाँ 15 ईयर हो गए, 15 साल हो गए। और इसको होटल ढाबे को 1968 से ही है। 1968 से। हाँ। और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। हाँ अभी अपने जो चल रहा है ना वेज तवा कीमा कलेजी चल रहा है। अच्छा ये सारी चीज़ें जलेगी है? ये है देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये अपना है सोयाबीन। सोयाबीन जो छोटे छोटे चंक्स है इसको अपन ने कीमे का रूप दिया है। अच्छा। हाँ ये मार्केट में भी मिलता है, वो सोयाबीन का चूरा है, इसका अपन ने कीमे का रूप दिया है इसको कीमे का। और जो अपन ने कलेजी है ना जो, वो ये है, ये सोया इसकी चाप की है ये। अच्छा। हाँ ये छोटे छोटे पीस है ना, ये चाप के बने हैं। हाँ इसको अपन ने 2 से 2.5 घंटे पहले अपन इसको पहले तो बॉइल करते हैं, बॉइल करने के बाद अपन इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद इसको सोया सॉस आता है जो, उसको मैरिनेशन करके रखते हैं। अच्छा उससे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है। हाँ, ब्लैक हो जाती है। ब्लैक हो जाता है। ये प्योर वेज है, ये प्योर वेज, नॉन वेज नहीं है। नाम नॉन वेज का आ रहा है, वेज तवा कीमा कलेजी। कई कस्टमर कमेंट करते हैं कि भैया ये नॉन वेज नाम है और ये वेज बता रहे हो आप। मैं 100 दावे से बोलता हूँ आपको, ये वेज है, प्योर वेज है, सोयाबीन की। सोयाबीन की। टेस्ट इसका नॉन वेज है। टेस्ट नॉन वेज है। नॉन वेज है। जो अपन इसमें मसाले डालेंगे ना, मसाले देख रहे हैं देखो, गार्लिक का पेस्ट है, जिंजर पेस्ट है, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट है, और एक हमारा ये काजू मगज का पेस्ट। काजू मगज है। ये गाढ़ा बनाने के लिए भी है? नहीं, इसका फ्लेवर, इसका फ्लेवर है काजू का फ्लेवर। काजू का फ्लेवर। जो जो नॉनवेज में आइटम डलता है ना मसाले, वो अपन इसमें डालेंगे। इसमें डालोगे? स्टार्ट करें भी है। हाँ सबसे पहले अपन डालेंगे इसमें जो, ये देखिए आप, खड़ा मसाला ही है। खड़े मसाले, जायफल, जावेत्री, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये अपन इसको थोड़ा कूट के डालेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों भैया एकदम कूट कूट के डालेंगे खड़े मसाले। ये खड़ा मसाला अपन ने कूट लिया है। क्या बात है। इसमें अपन ने तेज पत्ता भी ऐड किया है। अच्छा ये देखना आप, ये ऑनियन चॉप। ऑनियन चॉप 1 से 1.5 किलो का चॉप ऑनियन ही ये ऐड करेंगे इसमें। पंद्रह से बीस मिनट तक इसके ऊपर बुनाई करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा ये भैया कितने के किलो बन रहा है ये पूरा? हाँ जी वेज कीमा कलेजी प्योर वेज है। नहीं कितने किलो बन रहा है, मतलब कितने जनों का? भैया मॉर्निंग में अपने 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर जब आप आए हैं अभी, आप थोड़ा लेट आए हैं। हाँ अभी तैयारी हो रही है, इसके बाद एक बार तवा फिर लगेगा। अच्छा आप
बस 10:30 में तो मुझे खत्म हो जाती सारी ये। हाँ कंटिन्यू ये 5 किलो 5 किलो 5 किलो बनती रहती है। 5 किलो डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब वेज वालों के लिए नॉन वेज का मजा है। हाँ जी हाँ जी, टेस्ट पूरा आपको नॉन वेज का आएगा इसमें। तो ये भी आइडिया आपके था कि बनाने के लिए? हाँ जी, हमने सावन में स्टार्ट किया था। अच्छा, तो कई ये कहीं और तो नहीं मिलता भैया है ना ये? हाँ जी, ये वेज कीमा कलेजी और तो कहीं नहीं मिलती जयपुर में, तो मैंने कहीं देखा नहीं है कहीं बनते हुए। और ऐसा बनता भी और ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, जो हम टेस्ट देते हैं ना वैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। वैसा टेस्ट नहीं मिलेगा। मेरे पास कस्टमर है ना बाहर से आते हैं वेज कीमा कलेजी खाने के लिए, और 8 बजे कॉल कर लेते हैं, बोले भैया रख लेना, इतनी रख लेना, इतनी रख लेना, 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे, पहले ही बुक हो जाता है, रहता ही नहीं, खत्म हो जाता है। 40 से 45 किलो का तवा है। 40-45 इसका साइज देखिए आप, और जितना अच्छा इस तवे पे बनेगा ना वेज कीमा कलेजी उतना किसी भी अच्छा नहीं बनेगा। ये तवे पे ही बनता है। अभी पूरे खड़े मसालों की खुशबू आने स्टार्ट हो गई है। खड़े मसाले पूरे डाले अपन ने, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, जो जो नॉन वेज में डलता है ना वो पूरे मसाले डालेंगे अपन। इस रेसिपी को बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा कम से कम बता रहा हूँ मैं आप। अच्छा, इसको बनाने में? हाँ जी, पहले प्याज ब्राउन होगा, फिर गार्लिक का पेस्ट डलेगा, उसके बाद में जो अपन ने कीमा रखा है इसकी बुनाई होगी, फिर मसाले डालेंगे स्टेप बाई स्टेप, मसाले डालेंगे, एक एक मसाले डालेगा उसकी बुनाई होगी, फिर वो कलेजी की बुनाई होगी। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब भी जाके स्वाद आता है, जब भी स्वाद आता है, तो बनाने में कम से कम 2 महीने लगते हैं, तो कंटिन्यू चलाना पड़ता है इसको। जहाँ इसको छोड़ेंगे ना, पर ये लगना चालू हो जाएगा। वो तो देख ही रहे हो कि भैया बता रहे हो और ये भैया चला रहे इधर है। ये भैया थक जाएंगे तो फिर मैं चला लूंगा। सही बात। लहसुन, गार्लिक का पेस्ट, गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, गार्लिक, प्याज पूरा भून गया भी है, प्याज पूरा ब्राउन हो गया है, उसके बाद में अपन ने लहसुन डाला। जितना अपन प्याज ब्राउन करेंगे ना तो प्याज टूट जाएगा वो। अच्छा, उसके बाद में अपन ने लहसुन डाला है, और लहसुन की खुशबू आपको आ ही रही होगी, तगड़ी आ रही भैया। लहसुन पक चुका है अपना अब। अच्छा भैया, तो अब अपन इसमें जो आपको मैंने बताया था ये है सोयाबीन, सोयाबीन का कीमा। ये अपन पहले इसमें अपन करेंगे टमाटर है। अच्छा, जो 1.5 से 2 किलो टमाटर है ये, इसकी बुनाई करेंगे अपन टमाटर की। अपन जो जो इसमें मसाले हो गए, जो भी आइटम डालेंगे ना उसकी कंटिन्यू बुनाई रखेंगे अपन। अच्छा, अच्छे से पकेंगे हर एक चीज़? पक जाए अच्छे से। अपन ने टमाटर डाले, अब टमाटर की बुनाई होगी, फिर कीमा डालेंगे उसकी बुनाई होगी। पूरा ऑयल सेपरेट हो गया, टमाटर पक गया ये। अच्छा भैया, ये है अपना सोयाबीन का कीमा, ये प्योर वेज है जिसको अपन ने कीमे का रूप दिया है, ये अपन इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, सोयाबीन के छोटे छोटे चंक्स? हाँ, चंक्स हैं सोयाबीन के। ये आपको तवा चेक करिए, कितना बड़ा तवा है यार। इसके भी अपन 15 से 20 मिनट बुनाई करेंगे, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो सकता, हो जाएगा जब तक, तब तक कंटिन्यू बुनाई होगी इसकी, हर एक चीज की बुनाई होगी। हाँ, टमाटर की हुई, अब सोयाबीन का जो अपन ने कीमा डाला ना जो, उसकी भी बुनाई होगी। ऑयल पूरा अलग हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा पूरा ऑयल। उसके बाद भीड़ भी आप चेक कर लीजिए, इसके साथ ही जबरदस्त भीड़ आई हुई है यहाँ पे। ये इतने शौकीन है इसके, इतने शौकीन है, ये जब भी आते हैं ना सिलेंडर हमारे इनसे आते हैं, डेली लेके जाते हैं घर पे। 300 दिन ये वेज कीमा कलेजी खाते हैं, 30 दिन पूरे 30 दिन। अभी एसी का वेट कर रहे हैं कि बने तो मैं लेके जाऊँ। डेली खाते हैं? हाँ, बहुत शौकीन हो आप है। इनका फिक्स टाइम है, 7 बजे आके खड़े हो जाते हैं, भैया कब को बने और कब मैं लेके जाऊँ। एक आधा घंटा, एक एक घंटे की 5 बजे छुट्टी रहती है ऑफिस की, उसके बाद में भैया फोन करेंगे, भैया कब बनेगी। तो नॉन वेज खाने वाला वेज पे आ गए दोस्तों। मेरे सामने डिश बन रही है ना, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए।
क्योंकि बहुत ही प्यार से बनाई जा रही है, एकदम टाइम के साथ जो खुशबू आ रही है ना भाई, वो एकदम ज़बरदस्त है। मतलब खाना वो होता है कि सबसे पहले वो उसको देखा भी जाता है, फिर उसको सूंघा जाता है, फिर आखिरी में उसको खाया जाता है। तो भाई अभी जो देखने वाला ये जो प्रिपरेशन है ना इस कीमा कलेजी का, ज़बरदस्त भाई, एकदम ज़बरदस्त। भैया भाई सब चलाते ही जा रहे, चलाते ही जा रहे। भैया जहाँ एक मिनट हम रुके ना, वो लगना चालू हो जाएगी। अच्छा, तो कंटिन्यू चलाना पड़ता है। वैसे तवे का साइज भी बहुत बड़ा है, फिर भी उसको कंटिन्यू चलाना पड़ता है। खुशबू आपको खींच लाएगी। अगर आप यहाँ से निकल रहे हो ना भाई, अजमेरी गेट से आप अगर निकल रहे हो ना, ये खुशबू ही आपको बुला लेगी यहाँ पे। जयपुर में आप किसी से भी पूछेंगे ना सही होटल कहाँ है, वो आपको बता देंगे। भैया पूरा एड्रेस बता दें भैया, तो किसी को आना हो तो जयपुर में, अगर आप अजमेरी गेट येरा नेहरू बाजार नई सिटी दे होटल शॉप नंबर 101 जयपुर राजस्थान। अच्छा बच्चा जानता भैया, ये ऑयल सेपरेट होने लगा है। अब ये कीमा जो अपन ने डाला था ना, ये पक गया है ये। अच्छा, तो अब करेंगे अपन इसका श्रृंगार चालू। 12 मसाला 13 सामान डालेंगे। 13 सामान? हाँ। ये जो आपको मैंने बताया था, ये चाप की कलेजी, जिसको कलेजी का रूप दिया गया है, ये वही चाप है। सोयाबीन की जो चाप आती ना, वो चाप है ये अपन इसमें डालेंगे। अब आ गई भाई सोयाबीन की चाप। चाप डाली है अपन ने, चाप की भी बनाई होगी, ये वही आएगी आपको नॉनवेज वाली। जो नॉनवेज में मटन कीमा वाली बनता है ना, वही फीलिंग इसमें आपको वेज में आएगी। अच्छा, नॉनवेज का मजा वेज में, नॉनवेज का मजा वेज में। क्या बात, वेज तवा सोया कीमा कलेजी, जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा टेस्ट है इसका। क्या बात है, वेज सोया कीमा कलेजी। हाँ जी, ये है अपना नमक, नमक 2 टेबल स्पून। ने जो पेस्ट डाला था ना अपन ने, वो डाला था गार्लिक का पेस्ट। अब डालेंगे अपन जिंजर अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मसाले वही डालेंगे जो नॉनवेज में डाले जाते हैं, वही वेज में डाल रहे हैं, वेज कीमा कलेजी में। मतलब ये सारा खेल मसालों का है, मसालों का ही खेल है। कुछ हमारे सीक्रेट मसाले भी जाएंगे इसमें, ग्रीन चिली हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये भी डलेगा इसमें। इसको अपन थोड़ा स्पाइसी रखेंगे, जयपुर में राजस्थान में स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, और वेज का आइटम है तो स्पाइसी रहेगा ये। तो पहले अपन ने खड़े मसाले डाले थे, है प्योर वेज ही है, नॉनवेज नहीं है इसमें। लेकिन कई कस्टमर ऐसे आते हैं, भैया यार इसमें तो आपने नॉनवेज मिस कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं कस्टमर को बोलता हूँ, भैया जब बनती है ना, जब आके आप देखा करो इसमें क्या क्या डाला जा रहा है। सही बात, मतलब टेस्ट तो नॉनवेज का आ रहा है, भैया प्योर वेज ही है। अपना काजू खसखस और मगज का पेस्ट है, ये आपने देखा ही नहीं होगा कभी, ये भी डाला जाता है। काजू मगज का पेस्ट है खसखस का, ये भी डालेंगे अपन इसमें। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची, मसाले आप देखेंगे मेरे यहाँ पर जो मसाले होते हैं ना, ये हम ही खुद पिसवाते हैं। अच्छा, ये पाउडर देखिए आप, ये आ गई अपनी हल्दी। हाँ
इसका कलर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मसाले डालेंगे वैसे कलर चेंज हो जाएगा इसका, डार्क हो जाएगा। हाँ जी, धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर। ये देखिए, ये जो पीस है ना, ये चाप के ही, ये चाप, और जो ये चंग्स आ रहे हैं ना, ये कीमा है सोयाबीन का। चंग्स की वजह से नॉनवेज वाला ही आएगा आपको, पूरा नॉनवेज है। अभी तो अपन ने डाला ही नहीं है कुछ, अभी पिक्चर बाकी है। अभी खोपड़े का बुरादा, बुरादा आता ना जो खोपड़ा हुआ है, ये खुशबू के लिए डालते हैं। ये तो भैया एकदम रिच रेसिपी है, बोली रिच रेसिपी है, जब भी तो भैया मजा आएगा ना, बहुत ही मतलब माल जा रहा है इसमें। मेरे फादर ये बोला करते थे, माल डालो माल कमाओ, माल में कमी नहीं आनी थी। सही बात है, टेस्ट पूरा मिलना चाहिए। माल डलेगा जब भी माल आएगा। मेरे पास ये वेज कीमा कलेजी खाने के लिए मेरे कस्टमर है जो जीटी से डेली आते हैं। अच्छा, जीटी से डेली डेली है, 5 से 7 जने आते हैं, पहले 5 जने हुए, 7 जने हुए, आज 12-13 जने आते हैं वेज कीमा कलेजी खाने के लिए। पहले कॉल कर देते हैं 9 बजे, भैया रख लेना रख लेना, वो आते लेट हैं, पर डेली फिक्स है उनका खाने का, वेज कीमा कलेजी ही खानी है उनको। हाई डिमांड है एकदम, तो हमारे पास 99% तो 10-10.5 बजे खत्म ही हो जाती है। मतलब हर रेस्टोरेंट की एक खासियत डिश होती है, वेज वालों के लिए ये है, जो नॉनवेज नहीं खाते ना उनके लिए ये चीज समझ लो आप, ये अलग ही है उनके लिए। कई नॉनवेज खाते हैं उन्होंने छोड़ दिया, अब उनको बोला नॉनवेज में कुछ अलग खाया, तो फिर ये नॉनवेज का टेस्ट देती है पूरा। मेन क्या होता है, मसालों का खेल, कितने मसाले, मसाले अपन ने कितने मसाले डाले, अभी तो 12 मसाले डाले अपन ने, ये जो है 12 मसाले है, एक मैंने आपको बताया 13 सामान, वो ये है, ये 13 सामान, ये सीक्रेट मसाला ये है, सीक्रेट भी समझ लो, 13 सामान यही है, यही है 12 मसाले तो अपन ने डाल दिए, ये 13 सामान है, 13 सामान इसमें डले हुए, ये वेज कीमा कलेजी की जान है। क्या ये डल दिया, आप देखना पूरा अजमेरी की मैच जाएगा ये। अरे वाह, इसमें ऐड करेंगे 13 सामान, ये ऐड करा अपन ने, ये दोस्तों सीक्रेट मसाला भाई, 12 मसाले पहले डाले थे, 13 सामान अपन ने अभी डाला है। कस्तूरी मेथी खुशबू के लिए, खुशबू के लिए, मैं तो सरप्राइज हूँ कितनी चीजें डल रही है इसमें भैया, जब भी तो मजा आएगा। भाई इसका मतलब जयपुर आओ और ये ना खाओ ना भाई, तो क्या जयपुर है। मेरे पास में दिल्ली, उत्तराखंड, अजमेर, परसों एक कपल आया था कोटा से, खास ये खाने के लिए वेज कीमा कलेजी, कोटा से आया था कपल एक, मतलब दूर दूर से आ रहे, वीडियो दिखा रहे मेरे को, भैया मेरे को तो ये खाना है, दीवाने हो गए इससे, बोला रहा ही नहीं जा रहा, जैसे आप बना रहे हो और जो उसकी रंगत है ना, रहा ही नहीं जा रहा, हमारे को तो खिला दो। ये रेसिपी तैयार होगी 99%। भाई साहब ये ऐसी रेसिपी जिसको भाई साहब 2 जने मिलके बना रहे भाई। क्या भैया घी भी डलेगा इसमें? हाँ जी, हाँ एक घी का तड़का लगाएंगे अपन इसमें। क्या बात, बोलता हुआ बोलता हुआ है। हाँ जब भी मजा आएगा भैया। क्या बात है, अपन ने इतने मसाले इतने सामान, उसके बाद में घी का तड़का लगेगा। मैंने तो अभी तक ऐसी डिश नहीं देखी जितने इतने सारे मसाले डलते हो और इतने सारे भाई साहब माल डलता हो, वो भी उसके बाद आखिरी में देसी घी। क्या बात, तो मेहनत है, कुछ मसाले हैं, ये देखो देखो ये इसमें लगेगा तड़का। क्या बात है, बोलता हुआ घी का तड़का, घी का तड़का, अरे यार
घी में मिर्चियाँ भी है, हरी मिर्ची, ग्रीन चिल्ली, सूरत भाई ग्रीन चिली एकदम खूबसूरत, क्या बात है ऐसा, मैं तो दीवाना हो गया इसको बनते हुए देख के भाई। खाने से पहले ही बोल सकता हूँ कि भाई इसमें दम होगा, और जबरदस्त है दोस्तों, जो वेज खाता है ना उसके लिए भाई साहब एकदम एकदम जबरदस्त डिश है, तो ओए होए होए वाली डिश है भाई, ओए होए होए, ये रेडी है, ये भाई सजा दिया है एकदम है। इसका कलर देखो आप, इसका कलर ही बदलते गया जब, और खुशबू तो आपको आ ही रही होगी, क्या खुशबू तो मतलब ना 1 किलोमीटर तक जा रही होगी इसकी। ये देखिए ये जो पीस है ना, ये चाप के ही है, अरे वाह, जो कलेजी का रूप दिया था ना अपन ने, मैंने आपको बताया कि वो सोया में अपन मैरिनेशन करके, और ये सोयाबीन का कीमा है एकदम, हो गया दाढ़ी दाढ़ी है, गजब बना दिए भैया, अगर लोगों ने जयपुर में लेकर ये चीज नहीं खाई ये सोचा ही नहीं होगा, खाई तो क्या सोचा ही नहीं होगा, हमारे को ये खाने को मिलेगा, वेस्ट नहीं हुआ करेंगे। जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये घी है पूरा, ये अभी 5-7 दिन में ये अपन ने इसको हल्के ताव पे छोड़ रखा है, ये पूरा सेपरेट हो जाएगा, ये एकदम घी है, ये खाओगे भी है, इसके लिए भाई वेटिंग में लगना पड़ता है यार, क्या यार मानसरोवर से आ रहे हैं लोग बाग, मतलब वेटिंग में लोग बाग लग के इंतजार करके भाई सब खा रहे, इतनी दूर दूर से आ रहे, तो भाई साहब क्या डिश में क्या जान होगी यार, रेट भी थोड़ा बता दो। ये 170 की हाफ है, अच्छा 320 की है, इसको आप खाइए खमीरी रोटी के साथ में, वो मेरी स्पेशल खमीरी रोटी है, अच्छा वो पूरे जयपुर में नहीं मिलेगी आपको ऐसी खमीरी रोटी, क्या बात। ये खुशबू देखिए आप, कलर रंगा देखिए आप, मतलब ये साइडों में घी आ गया है, ये पूरा घी जो अपन ने तड़का लगाया था ना वो घी है, ये आपको खुशबू आ ही रही होगी, क्या खुशबू आ रही है यार, मैं तो दीवाना हो गया इसको बनते हुए देख के, तो यार पूरा देख के माउथ वाटरिंग हो चुका है मेरा, पूरा पूरे मुंह में पानी पानी आ चुका है यार। लो कितनी है आप देना है वाली प्लेट, आप है क्या वेज की मांग रही, 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगी ये, हाँ वो आया वापिस बनती है, वापिस दोबारा ट्राई, वापिस दोबारा बनती है, गरम में खाओ इसको, मतलब गरम का गरम ही खाओ, गरम गरम बनती है, ज्यादा ज्यादा हमारा आधे घंटे का खेल होता है, फिर बनेगी फिर दोबारा 1 घंटे में दोबारा खत्म हो जाएगी, गर्मा गर्म बनती है, गर्मा गर्म बिकती है। ओ भैया रोटी बनाने लग गए, अच्छा ये निकल गई वो रोटी है, अच्छा इसी के साथ खाई जाती है वेज बेटा, कीमा करी, क्या बात, ये है हमारी हाफ प्लेट, यह गई हाफ प्लेट है, ये 170 की है, 170 की हाफ, और खमीरी रोटी आपने देखी हो, ये खमीरी रोटी है, खमीरी रोटी दिस, अच्छा ये है, हाँ जी अच्छा हुआ भाई, ये खमीरी रोटी लगा देना, ये देखो भाई इंतजार कहते हैं, इंतजार खत्म हो गया लोगों का, ये भी अपना ही बनाना है बढ़िया सा। दोस्तों भीड़ चेक करिए, और भीड़ है ना अंदर तक है, अंदर भी सिटिंग एरिया है, ये आ गई खमीरी रोटी, ये आ गई भाई, जयपुर राजस्थान में रोटी पे रख के ही खाया जाता है, भले वो वेज हो या नॉन वेज हो, ये खमीरी रोटी हमारी, ये वेज कीमा कलेजी, ये वेज है प्योर, ये जो आप देख रहे हैं ना 100% वेज है, सोयाबीन की बनी हुई है, नॉन वेज का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये वेज है, वेज नॉन वेज खाने वालों के लिए ये रेसिपी है ना, आप खाओ और खा के बताओ आप टेस्ट इसका, वेज सोया कीमा कलेजी, ऐसा टेस्ट ऐसी रेसिपी पूरे जयपुर राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्या बात है, ये प्योर वेज है, ये प्योर वेज है, तो मैं प्योर वेज सोयाबीन की बनी हुई है, वो तो आंखों से देखा यार, ये सोयाबीन के जो चंक्स आते हैं ना छोटे छोटे, उसकी बनी हुई है, कई बार घरों में भी ये बनाई जाती है सोयाबीन की सब्जी, हाँ पर ऐसी नहीं बनेगी आपके, ऐसी नहीं बनेगी,
दावे से बोल रहा हूँ ऐसी वेस्ट कीमा कलेजी बनेगी नहीं। ये सबर वाली चीजें है। टाइम भी तो लगता है भैया। कितना टाइम लगा यार, आप खाओ उसको और मुझे बताओ कैसा टेस्ट है। तो दोस्तों ये आ चुका है वेज तवा सोया कीमा कलेजी। भाई साहब क्या लग रही है यार, बनने के बाद भाई साहब आइए ना मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट खाते हैं यार इसको, फटाफट खाते हैं। तो दोस्तों देव होटल की वेज तवा कीमा कलेजी आ चुकी है। क्या लग रही है दोस्तों यार, मुंह में पूरा पानी आ गया था जब बन रही थी, और इतनी सारी रिच चीज़ें गई है ना इसके अंदर भाई साहब, जिससे क्या लग रही है यार एकदम। और दोस्तों ट्राई करते हैं भाई साहब इसको, लेते हैं बाइट, तो बाइट लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो सोया के एकदम छोटे छोटे पीस कर रखे हैं, एकदम छोटे छोटे पीस हैं सोया के, लच्छे वाले प्याज और नींबू। क्या यार भाई साहब, मुंह में जाते ही घुल गया यार, ये तो मुंह में जाते ही घुल गया यार, क्या बात है। एकदम देसी घी देख सकते हो आप साइडों पे लगे हुआ है, रोटी हो गया, जो घी का तड़का लगा है ना पूरा फील हो रहा है दोस्तों, पूरा फील हो रहा है यार। क्या बाइट बनी भाई, ये दोस्तों देखो सोयाबीन है, एकदम दोस्तों खड़े मसालों का पूरा स्वाद है, स्पाइसेस भी फील हो रहे हैं। और जो यार मतलब खा रहे हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या दमदार चीज खा रहे हैं यार, मतलब एकदम फील है खाने में यार, जो ये धीमा धीमी हर एक चीज भुनी हुई है ना वो एकदम घुल मिल गई है, और एकदम क्लासिकल स्वाद आया भाई, एकदम क्लासिकल स्वाद। और इसके ऊपर नीचे भी छोटे छोटे काटे गए, इससे जबरदस्त लग रही है यार। ऐसी चीज़ है जिसको भाई साहब खा के ही फील किया जा सकता है, क्या फील है भाई खाने का। भाई जयपुर में ये चीज़ें भी मिलती है वो हमारे को पता नहीं था, अब जो पता चला तो भाई आके देखना बेहतरीन स्वाद है, एक मिल लगा भाई, मतलब कभी खाया ही नहीं है भाई, ऐसी चीज़ ये है। ओ भाई साहब इसको मिला है भाई, क्या बात है, मतलब हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी को खाना चाहिए जो जयपुर में रहकर, ये चीज़ तो खाना चाहिए भाई, खाना ही चाहिए भाई। और सर्दियों का टाइम हो चुका है, सर्दी अपने पीक पे है, तो भाई साहब सर्दी में तो ये चीज़ बनती है, इसको देखने का एक अलग ही मज़ा था इसको। और खाने के बाद मैं बोल सकता हूँ ना, सोयाबीन का ऐसा चीज़ और वेज में मैंने अभी तक नहीं खाई, देसी घी का भी पूरा स्वाद है भाई। जो भी आ रहा है भाई जयपुर से बाहर से ज़रूर ट्राई करें, और जयपुर में हो तो ज़रूर आके ट्राई करो भाई, मज़ेदार चीज़ है एकदम यार। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, मज़े मज़े की वीडियो आप तक आते रहेंगे, हम सुन मिलेंगे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।